जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है, यही अंतर है। याद करिए भाइयों बहनों, ये लोग मौन रहते थे तब, जब इस आजमगढ़ में, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी, 2 महीने तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पाई थी, और तब मैं गोरखपुर का सांसद था, तब सांसद के रूप में मैं यहां आया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, आजमगढ़ का नौजवान जो मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, उसने समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपराधियों का गढ़ बना करके यहां के नौजवानों के सामने संकट पैदा किया, पहचान का संकट खड़ा किया। और यही कारण था, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर लें, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर लें। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है, लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, इन्हीं को ज्यादा पीड़ा होती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता, तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक, सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक, और 2021 में मई से लेकर के, और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा, एक नहीं दो दो बार मिलेगा, हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे, और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी, और हर कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी।
ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584,83,20,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521,13,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं, 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 224,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को 7,12,00,000 का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण पोषण भत्ता भी यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं ये कार्य कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों के समय भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, गांव उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी, युवा उनके एजेंडे में नहीं थे। वे लोग केवल अराजकता फैलाते थे, लूट खसोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस नए उत्तर प्रदेश के लिए मैं आप सबका सहयोग करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों ने
कोरोना बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की जो सुविधा दी है, आप सभी लोग इसका लाभ